आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के गोपालपुर की दूती चंद ने एक बार फिर महिलाओं की ताकत का एहसास कराया है। 20 साल की दूती चंद ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब वो ओलंपिक में मेडल हासिल करने के लिए जोर लगाएंगी। उड़न परी पीटी उषा, जिन्होंने 1980 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, उसके बाद 36 साल तक 100 मीटर की रेस के लिए भारत की कोई भी महिला एथलीट क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन इस सूखे को खत्म किया एथलीट दूती चंद ने। दूती अगस्त में होने जा रहे रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की 20वीं ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। दूती चंद ने 100 मीटर की रेस पूरा करने में 11.30 सेकंड का समय निकालते हुए नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा जो उन्हीं के नाम पर दर्ज था। कजाकिस्तान के अल्माटी में हुई इस रेस में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम 11.32 सेकंड था, लेकिन दूती ने तय समय से 0.002 सेकंड पहले ही रेस पूरी की। हालांकि दूती इससे पहले दिल्ली में हुए फेडरेशन कप में 0.0 सेकंड से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। दूती चंद का नाम 2012 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उन्होंने 100 मीटर की रेस को 11.8 सेकंड में पूरा किया था। इसके बाद उन्होंने पुणे में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दूती चंद अब ओलंपिक में पदक हासिल करने के लिए जोर लगाएंगी। हालांकि उनके लिए राह इतनी आसान नहीं थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ने जुलाई 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ दिन पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की लिमिट सामान्य से ज्यादा पाए जाने के कारण उन पर बैन लगाया गया था। हालांकि दूती ने हिम्मत नहीं हारी और इस फैसले को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में चुनौती दी, जिसके बाद 2015 में उनके ऊपर से बैन हटा लिया गया और वो चमक बिखेरने के लिए एक बार फिर ट्रैक पर लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज उसके पहुंच से कुछ भी दूर नहीं है। इसके बावजूद कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसके बारे में विज्ञान और तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। यूपी के रामपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस जिस केस को 6 साल पहले ही बंद कर चुकी थी, आज वो केस फिर से खुल चुका है और ये पुलिस की कोशिशों से नहीं बल्कि चमत्कार से हुआ है। चमत्कार इसलिए क्योंकि इस मामले में मरने वाले ने खुद अपने कातिल की जानकारी दी है। दरअसल रामपुर के खरसौल गांव के रहने वाले ऋषंबर उर्फ पप्पू की साल 2010 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने भी 6 महीने बाद केस को बंद कर दिया, लेकिन एक दिन अचानक मृतक पप्पू ने खुद ही अपनी हत्या की पूरी कहानी बयां कर दी। जो का जमा रहा था? गोली से। अच्छा, तो आज शादी हो गई है? कितने बच्चे हैं आपके? तीन लड़के हैं। लड़की? अब कहाँ रह रहे हो तुम? झंगे रह रहे हो? आप घर जाना चाहते हो? वहाँ खरसौल ये है, यही रहोगे? खरसौल जाओगे? बता दो ऊपर कौन पर झंगे लोगे? अच्छा, तेज से बता बेटा। तुम्हारे क्या मारी थी? किस चीज से मारा था तुम्हें? गोली से। गोली कहाँ लगी थी आपके? दरअसल मुरादाबाद के तारापुर में जन्मा राजेश खुद को पप्पू बताता है। यही नहीं, वो अपने पिछले जन्म के सभी लोगों को पहचानता है। हालांकि 4 साल के राजेश की बातों को उसके घर वालों ने पहले गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब राजेश ने जिद पकड़ ली तो उसके घर वाले उसे मृतक पप्पू के घर ले गए, जहाँ राजेश की कई सारी बातें सही साबित होने लगी। ये बताता था क्या कि मेरे गोली मार दे? आप लोगों को कम पता चला इस बारे में? जो छोटेपन से बताता था ये। आप कभी खरसौल और साल गए थे तो कोई बात हुई थी? हाँ, बता करता, वहाँ कर भी बता करते थे। क्या? तो वही है पप्पू नाम को। क्या उम्र होगी इसकी? अब 6 साल की उम्र होगी, 5.5 या 6। कितने साल की उम्र में इसने बताया आपको? 3 साल की उम्र में। हाँ, जावरा पर था। अच्छा, 3 साल की। राजेश के मुताबिक पिछले जन्म में वो पकौड़ी का ठेला लगाता था। एक दिन उसकी अपने मौसेरे भाई राकेश से घरेलू विवाद में हाथापाई हो गई। मामला पुलिस तक भी पहुंचा और पुलिस ने दोनों को जेल में बंद कर दिया। इस विवाद के बाद राकेश पप्पू से रंजिश रखने लगा। 2010 में पप्पू उसके ठेले के साथ अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में राकेश ने उसे गोली मार दी। सही क्या, वो पुलिस आई, उन्होंने गवाह मांगे, गवाह तो गवाही के लिए कोई गांव वाला तैयार ना हुआ। फिर वो अज्ञात में मतलब वो लिख दिया, रिपोर्ट लिखी उन्होंने।
उसने क्या हो रहा अज्ञात तो अज्ञात है उसने ये थोड़ी है कि वो इसी बात बातों से ये जाहिर होता है कि वो हमारा ही लड़का है ऐसा महसूस होता है उसकी बातें कुछ ऐसी हैं जो जानकारी वो देता है प्रेरणा कैसी जानकारी देता है कि ये पहचान बताता है कि मेरा घर है मेरे बच्चे हैं ये ऐसी बातें बताता है कुछ लोग वालों को बताता है गाँव वालों को भी बताया उसने ये बताया खम्बे के पास में मेरी गोली मारी। बहरहाल पुनर्जन्म और हत्याकांड के बीच शुरू हुई ये कहानी कानून के साथ ही विज्ञान के लिए भी कठिन पहेली बन गई है। लेकिन पूरे मामले में एक बार फिर से साफ हो गया है कि चांद और तारों तक पहुंचने में तो इंसान भले ही सफल हो गया हो लेकिन आज भी कुछ रहस्य और सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। मुरादाबाद से दीप्तन जोशी, इंडिया 24/7।